हेलो दोस्तों, रैक्स इनोवेशन एंड प्रोडक्शंस के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार घर में एकदम सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को रोज अलग अलग माध्यमों से खबरें मिलती हैं, जिसमें बहुत से प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटनाओं के बारे में पता लगता है, जरूर आपके मन में भी यह सवाल पनपता होगा कि अचानक धरती में लगातार ये सारी घटनाएं कैसे होने लगी। चलिए आइए कोशिश करते हैं इन सब के बारे में जानने की। तो आज हम उस युग के बारे में बात करेंगे जिस युग में हम जी रहे हैं, यानी कि कलयुग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग से पहले और तीन युग हो चुके हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, और हम जिस युग में जी रहे हैं वह है कलयुग। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जब द्वापर युग के अंत में पांडव महाभारत जीत कर अपना राजपाट अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित का राज तिलक कर हिमालय की ओर निकल पड़े। राजा परीक्षित का राजपाट बहुत ही सराहनीय था। एक बार सरस्वती नदी के किनारे धर्मरूपी बैल और गाय रूपी माता धरती विश्व में घटित घटनाओं के विषय में एक दूसरे को भाव प्रकट कर रहे थे। तभी कलयुग अपने मानव रूप में आकर गाय रूपी धरती माता और धर्म रूपी बैल को सताने लगा। उसे यह करते देख वहां से गुजरते हुए राजा परीक्षित ने उसे देख लिया। राजा ने तो उसे मार डालने का ही फैसला कर लिया। राजा को क्रोधित देख कलयुग ने राजा को समझाया कि महाराज, आपके इस फैसले से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। जैसे त्रेता युग के बाद सतयुग, सतयुग के बाद द्वापर, वैसे ही द्वापर के बाद कलयुग का आना भी अनिवार्य है। यह सुनकर क्रोधित राजा ने कहा, तुम जी सकते हो लेकिन हमारे राज्य से बाहर। कलयुग ने कहा, महाराज, आपका राज तो पूरी पृथ्वी पर है, मुझे अपनी शरण मिले, मैं आपका शरणार्थी हूँ। महाराज परीक्षित भी धर्म के पालक थे, अपने शरण में आए हुए शरणार्थी को भला कैसे ठुकरा सकते थे। महाराज ने कहा, मैं तुम्हें चार स्थान देता हूँ जहाँ पर तुम विराजमान रह सकते हो। पहला, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो। दूसरा, जहाँ पर व्यभिचार यानी एडल्ट्री हो। तीसरा, जहाँ हिंसा हो। चौथा, जहाँ मद्यपान या शराब या लिक्कर का सेवन किया जाता हो। यह कलयुग ने सुनकर घबराते हुए महाराज परीक्षित से कहा कि महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत ही सीमित स्थान है, भला मैं इसमें कैसे समाऊंगा। महाराज परीक्षित ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और स्थान देता हूँ, वो है सोने का, तुम सोने में भी विराजमान रह सकते हो। कलयुग ने मुस्कुराते हुए यह स्वीकार कर लिया। जैसे कि राजा धर्म के पालक थे, कलयुग भी छल का पालक था। कलयुग ने महाराज परीक्षित के सोने के मुकुट पर विराज कर लिया। द्वापर युग के इस महत्वपूर्ण अध्याय के बाद बहुत सी अनेक घटनाएं घटी जिसे द्वापर युग कलयुग की तरफ मुड़ने लगा। दोस्तों, इन पांच स्थान के अलग अलग मतलब हैं। जैसे हिंसा का मतलब दंगे, आपस में बैर रखना, बलात्कार, मारपीट, पशु पक्षियों के ऊपर अत्याचार करना, शराब के सेवन के वजह से तो रोज ही कई खबरें सुनते होंगे आप सब। अकेला शराब ही कई घटनाओं को न्योता देता है, जैसे बीमारी, हिंसा, छेड़छाड़। वैसे ही व्याभिचार हमारे युग की सबसे बड़ी समस्या है, कड़वा है पर सत्य है। त्रेता युग में माता सीता पतिव्रता और श्री राम पत्नी व्रता होने के अपने आप में बहुत बड़े मिसाल हैं। लेकिन आज के युग में कई क्षेत्रों में आदमी व औरत दोनों ही अपनी मर्यादा की सीमाओं को भूल चुके हैं। जुआ खेलने से यह तात्पर्य है कि लोग आज खेलों तथा अन्य जगहों पर पैसे घर गिरवी रखकर दाव लगाते हैं। अब आते हैं सोने पर। सोने रुपयों, गाड़ी और अनेक चीजों से हैं जो एक इंसान के घमंड और कपट को जागृत करता है। तो दोस्तों, ये थी द्वापर युग और कलयुग के संधि काल की कहानी। इस किस्से के बाद का एक और अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे नाग लोग भी खतरे में आ चुका था। तो इस कहानी के बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो इसका कारण मनुष्य का पाप, हिंसा, लालच और उदंडता ही है, जो कि हर युग से बढ़ता आ रहा है और कलयुग में तीव्र है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग।